नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मात्र 11 रुपए के इस पेनी स्टॉक के बारे में, और थोड़ा कंपनी के बारे में अपडेट दे दूं। रेवेन्यू कंपनी के ऑलमोस्ट 2138 करोड़, 2100 करोड़ के रेवेन्यू इस साल हमें देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू का मतलब यहाँ सेल्स से है। नेट प्रॉफिट के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में 61% है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से लास्ट एक साल का डेटा उठा के देखते हो तो प्रमोटर्स ने लाखों शेयर्स यहाँ पर बाय करे हैं, और ये स्टॉक ने एक साल में जो शेयर होल्डर्स है उनको मालामाल कर दिया है। और आप एक प्रकार से ये भी बोल सकते हो कि एक नीचे कमेंट आया था, और लकीली ये स्टॉक हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से 6 रुपये 7 रुपये के आसपास जस्ट बताया था कि स्टॉक अच्छा लगता है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि 11 रुपये के प्राइस में क्या स्टॉक में हमें करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, या फिर स्टॉक में लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर किसी को दोबारा बाय करने का सोच रहे हैं तो कहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जानने का प्रयास करते इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखना और लाइक कर देना अगर आपके पास ये स्टॉक है और आपने पैसा कमाया, और शेयर करना अगर आपको मेरी प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए जो हर संडे होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसको एनएससी में सकुमा बोला जाता है। और आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस 11 रुपये 65 पैसे के आसपास अभी ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। और आज स्टॉक में 4% की तेजी हमें देखने को मिलती है। जैसा आप सभी को पता है, जो यूक्रेन रशिया के बीच में जो आप टेंशन है, देखो अभी तक खत्म नहीं हुई है, समाप्त तो नहीं हुई है, ठीक है। उसके बावजूद हमारी जो इंडियन मार्केट है लगातार उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। अभी क्या करना चाहिए आपको, सिंपल है, राइट। अभी देखो टेंशन तो है, राइट, और ये हो सकता है कि बड़े लोग अपना माल यहाँ पर हल्का कर रहे हो और रिटेल को बाय करवा रहा हो, कराया जा रहा हो। तो आप जो भी काम करोगे स्टॉप लॉस के साथ करोगे, सोच समझ के करोगे, पूरा नहीं करोगे। मतलब अगर आप 10-10 रुपये इन्वेस्ट करना चाहती हो तो 1 रुपये इन्वेस्ट करो, ऐसा करके आप आपको काम करना है, और ज़्यादा फटाफट नहीं करना है, कुछ आराम से करना है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक आप देख सकते हो, 6 मंथ में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 11% रिटर्न दिया, लेकिन एक साल के अंदर स्टॉक ने 119% का डिसेंट रिटर्न दिया है। और लगातार स्टॉक का पैटर्न आप देख सकते हो, हायर एज का पैटर्न बना रहा है, और करली स्टॉक अपने एक रेंज पर ट्रेड कर रहा है। देखो ये रजिस्टन एरिया है, ठीक है, 15 रुपये का रजिस्टन बन चुका है, और ये सपोर्ट है 10 रुपये का। तो ये स्टॉक अभी इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है, इसी रेंज में डोल रहा है, और बहुत लंबा समय हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट देख सकते हो जून जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट जनवरी 2022 आ चुका है, मतलब 7 से 8 महीने का ये रेंज स्टॉक ने बना लिया यहाँ पर। बाकी मैक्स आर्ट की अगर बात करते हैं तो मैक्स आर्ट आप देख सकते हैं स्टॉक अच्छा लगता है, ठीक है। 2012 में स्टॉक का प्राइस 1 रुपये के आसपास था, और साथ में 2021 में आप देख सकते हो स्टॉक दोबारा ऊपर जा रहा है, और करंटली स्टॉक ने अपना रजिस्टर बनाया है 15 रुपये के आसपास, वहाँ अभी रजिस्टर करके नीचे आ रहा है, और स्टॉक का सपोर्ट जो बनता है 8 रुपये का बनता है। तो स्टॉक अगर फ्यूचर में आपको, ठीक है, 8 रुपये मिलता है तो आप स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर सकते हो, अगर 8 रुपये मिलता है, जो चार्ट पैटर्न मुझे बताने का प्रयास कर रहा है। बाकी एक बार बात करते हैं कंपनी के नंबर्स, और नाम से आपको पता चला कंपनी का जो काम है ट्रेडिंग का काम है, बाकी देख लो आप एक बार, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये कंपनी जो बेसिकली है एग्रो कॉमोडिटीज के ऊपर काम करती है, और ये डोमेस्टिक मार्केट साथ में इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करती है। वेबसाइट पर जाके आप कंपनी के बारे में डीप स्टडी कर सकते हो, लिंक्स मैं आपको नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, चाहो तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ा छोटा सा व्यू कि कंपनी में अभी आप के नंबर्स कैसे हैं इसके, और क्या अभी चल रहा है। तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 273 करोड़ का मार्केट कैप है, और प्राइस आपको पता है 11 रुपये ट्रेड कर रहा है, हाई 15 रुपये का है और लो 4 रुपये के आसपास का है। और बाकी अगर बात करते हैं कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड दे रही है 0.43%, मतलब आधा परसेंट के आसपास का आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाता है। आरओसी की वैल्यू आप देख सकते हो 5% के आसपास है। साथ में अगर नीचे लेके चलता हूँ आपको, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ प्लेज होल्डिंग मात्र 3% है, प्रमोटर्स की जो प्लेज होल्डिंग है मात्र 3% है, मतलब बहुत कम है, ठीक है। बाकी नीचे लेके चलता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लोज में कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है,
मतलब कंपनी डेट फ्री है। तो ये 11 रुपए का डेट फ्री स्टॉक है और 7 पे कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है, ठीक है। उम्मीद जताई जा रही है कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है और इसने करके भी दिखाया है दिसंबर क्वार्टर में। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने नंबर्स खोले के क्वार्टर नंबर्स कंपनी के, एंड आपके लिए देख सकते हो कंपनी के नंबर्स, ठीक है। दिसंबर में 2021 में कंपनी की जो सेल्स थी 666 करोड़ की सेल्स थी, और कंपनी के जो एक्सपेंस थे ऑलमोस्ट 656 करोड़ के थे, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 10 करोड़ का हुआ है, ठीक है। सब कुछ काटने के बाद, खर्चा वर्चा काटने के बाद 10 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने करके दिखाया है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हो जो प्रॉफिट हुआ है 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 6 करोड़ का शानदार प्रॉफिट कंपनी ने करके दिखाया है। बाकी लास्ट ईयर प्रॉफिट आपका 2 करोड़ के आसपास का था, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट आपका 2 करोड़ था, अभी 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप कंपैरिजन करते हो लास्ट 2-3 क्वार्टर के नंबर्स, तो कंपनी के नंबर्स ठीक आ रहे हैं। बाकी ईयरली परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, करंट TTM में जो सेल्स है 2100 करोड़ की सेल्स हो चुकी है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ऑलमोस्ट 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो लास्ट ईयर 11 करोड़ का प्रॉफिट था। और साथ में EPS भी कंपनी का लगातार ग्रो हो रहा है, 0.47 से 0.74 हो चुका है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो साथ में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, लास्ट 5-6 सालों से कंपनी लगातार आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के दे रही है ईयरली बेसिस में। उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस 11 रुपये ट्रेड कर रहा था, उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस 5 रुपये ट्रेड कर रहा था। बाकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिजर्व है ठीक है, ठीक है, अच्छा खासा रिजर्व है। और बोरोइंग की जो है 39 करोड़ की है, मतलब कंपनी ने अभी अपना डेट इंक्रीज किया है, कंपनी ग्रो करना चाहती है इसलिए उन्होंने इंक्रीज किया है। और कंपनी अगर डेट इंक्रीज करे, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी दे नहीं सकती, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है तो आराम से डेट दे सकती है और आराम से इनको लोन मिल भी जाएगा। कैश फ्लो की बात करते तो अभी कंपनी के ऊपर नेगेटिव कैश फ्लो है। बाकी आप श्योरिटी पैटर्न की बात करें, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरी एनालिसिस का, तो आप देख सकते हो यहाँ पर श्योरिटी पैटर्न मैंने खोल दिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सितंबर में इनकी होल्डिंग 58% थी, जो बढ़कर 62% हो गई प्रमोटर्स की होल्डिंग, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार स्टॉक में इंक्रीज हो रही है, प्रमोटर्स लगातार माल बाय और परचेज करने में लगे हैं। बाकी FII की होल्डिंग बहुत कम है, DII की होल्डिंग बहुत कम है, पब्लिक में मात्र 38% का हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो मैं यही बोलूंगा फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक मुझे 10 में से, अगर मैं इसको देना चाहूंगा पॉइंट्स, तो मैं 10 में से इसको देना चाहूंगा कम से कम 8 या 9 पॉइंट मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं NSE में कैसा काम हो रहा, तो NSE का भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 66,000 शेयर लोग घर लेके गए, 1,38,000 शेयर ट्रेड किए गए थे। और चार्ट पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, अगर 8 रुपये स्टॉक मिलता है तो आप स्टॉक को नजरों में रख सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ठीक है, बार बार मैं शायद स्टॉक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लो, शायद वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। पहला चीज रजिस्ट्रेशन स्टॉक का ये है, ठीक है, और सपोर्ट ये है, तो स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है, ठीक है। तो स्टॉक में यहाँ एक अच्छा बाय बनता है, लेकिन ध्यान रखना आपको SL लगाना है, ठीक है। मैं SL आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। जो लोग 9 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, ठीक है, आप अगर लॉस नहीं बुक करना चाहते, तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे, डे ट्रेडिंग अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मत करना, लेकिन फिर ध्यान रखना 8 रुपये के अंदर आपको एवरेज करना है। अगर आप स्टॉक में डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब जो आपने मान के चलो 12 रुपये में स्टॉक को बाय किया, और अगर आप डे ट्रेडिंग करके अपना जो लॉस है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप स्टॉक को 8 रुपये के लेवल्स में पक्का बाय करोगे, एवरेज करोगे। 8 रुपये का इसका सपोर्ट एरिया बनता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। सपोर्ट एरिया कैसे बना देख सकते हो यहाँ से, ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एरिया 8 रुपये, ये 8 रुपये, 8 रुपये 15 पैसे ये है, और 9 रुपये, और उसे 8 रुपये 70 पैसे ही है। तो इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो 8 रुपये 50 पैसे के आसपास सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उसको प्लीज़ एक बार फॉलो कर लेना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, तो प्लीज़ एक बार खुद की स्टडी ऐड करना। आपको बाय सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।